सभी भैयाओं का आज की कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले आप एक पंक्ति सुनेंगे मेरे द्वारा, उस पंक्ति से आप सब परिचित हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने सबने विद्यालय में उस पंक्ति का दोहरान भी किया है और कुछ भैयाओं ने उस पंक्ति को एक अग्रसर के रूप में बोला भी है। इस पंक्ति को ध्यानपूर्वक देखेंगे। सा सा रे माम पाम पाम पध पा सा रे माम पाम पाम पध पा या कुंदे चार हार धवला। अभी आपने उस पंक्ति को कुछ स्वर थे उसके अंदर, सा रे म प ध, ये स्वर थे आप। उसके बाद मैंने सरस्वती वंदना की पहली पंक्ति आधी पंक्ति गाई, या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला। आप लोग जो इस स्वर थे, ये स्वर लिपि थी सरस्वती वंदना की। हमें ये सिखाया जाता है कि जब भी हमें कुछ कोई गीत गाना है या तो उसकी पहले धुन तैयार करते नहीं करते, तो धुन से पहले उसके स्वर सुर लिखे जाते हैं, कौन से सुर में कैसे गाया जाएगा, बाद में गीत तैयार होता है ना ऐसे। तो यदि हमें स्वर लिपि याद है तो हम गीत की राग को कभी नहीं भूल सकते, उसके उतार चढ़ाव को कभी नहीं भूल सकते। यदि सीता गीत याद करते हैं तो हम थोड़ा बहुत बीच में तो अपने कन्फ्यूजन हो जाता है, परंतु स्वर लिपि हमको पूरी याद है तो अपन को गीत गाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक उसी प्रकार किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उसकी व्याकरण जानना बहुत ही जरूरी है। आज का जो हमारा चैप्टर है ये कराना तो मुझे सबसे पहले चाहिए, पर ये मेरी मिस्टेक है, माय मिस्टेक कि मैं सभी ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने शुरुआत में फर्स्ट बुक के दोनों चैप्टर किए, वी शैल ओवरकम और लेट्स लर्न प्राणायाम। आज हम इंग्लिश सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन यानी परिचय देना, अंग्रेजी का परिचय है, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमें किताब भी यदि हमें किताब पढ़नी है तो उससे पहले हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान किससे होगा? व्याकरण से होगा। चलिए इंट्रोडक्शन यानी परिचय। सबसे पहला पॉइंट, पहला वाक्य, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, भाषा, अंग्रेजी एक भाषा है। हम सबको पता है कि अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है। अपन को विद्यालय में तीन भाषाएं पढ़ाई जाती है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। आज अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं। दूसरा वाक्य, इंग्लिश लैंग्वेज हैज अल्फाबेट, यानी वर्णमाला। देखो भैया, यदि कोई भी भाषा की किताब है तो उस भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे आप हिंदी में देखते हो ना, अश से ज्ञानी तक उसकी वर्णमाला है, तो अंग्रेजी में आपको बताइए, आगे बात कर रहे हैं इसमें, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स, और जो अपनी अंग्रेजी की वर्णमाला है उसमें कितने अक्षर है? 26, 26, कितने हैं? 26। अब उन हिंदी में अपन बात करते ना के अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सारे क्या है? स्वर है, बाकी सारे व्यंजन है। इस प्रकार ठीक इसमें भी There are two kinds of letters. यहाँ पर भी इन 26 letters को दो भागों में बांटा गया है, पहला vowels, दूसरा consonants. Vowels आपको पता ही है कितने होते हैं? पांच होते हैं। कौन कौन से? A, E, I, O, U होते हैं। Consonant 26 में से पांच निकाल दो, पीछे बचे 21, तो 21 consonants होते हैं। कौन कौन से? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y,
जय, ये कौन सा है? उसके बाद देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट लिखावट, लिखने, लिखने के आधार पर भी इन सब इस अल्पगण सॉरी इस वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, लिखने के आधार पर भी, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर, बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी। अब उससे आगे इससे अपनी कॉपी में करें, ये पांचों ही वाक्य अपनी कॉपी में अवश्य उतारें। उसके आगे आप देखिए हिंदी अल्फाबेट व्यंजन, मैं आप थोड़े आप कम ही लिख रहे हैं, बाकी मैं आगे लिखूंगी। क हलंत है, इसमें क्या कर हलंत है, तो अंग्रेजी में क ऐसा लिखा जाएगा, के ख के एच ग, ये ख नहीं क ग ग न च छ ज झ ञ ऐसा बोला जाए, क्योंकि ये लंगड़े हैं सारे, ये हलंत है, इनको सहारा नहीं मिला हुआ है, और सहारा किसका मिलेगा, सारे स्वरों का सहारा मिलेगा तो ही ये अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, तभी इन्हें बुरा बोला जाएगा, नहीं तो नहीं बोला जाएगा। जैसे मैं अब यहाँ लिख दूं ये क लिख दूं, तो इस क को हम लिखेंगे के ए, ये होगा क, तो इसके साथ ए स्वर जुड़ गया है, अब ये पूरा बोला जाएगा क न कि क क क क क, आप मेरी बात समझ गए होंगे, ख के एच ग ची ग जी एच ञ एन जी च सी एच छ सी डबल एच ज जे झ जे एच ञ न एन ट टी ठ टी एच ट डी ढ डी एच ण एन ट टी ठ टी एच द डी ध डी एच न एन एन प टी फ पी एच भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं, ब बी एच म एम। तो इस व्यंजन है, इसके आगे थोड़े और भी व्यंजन है उसी में देखते हो, इसे अपनी कॉपी में अवश्य करें। उसके आगे लास्ट हमने थोड़ा ध्यान से, उसके आगे य वाई र आर ल एल व वी या डब्ल्यू ड ड ड न कि ञ ड ङ नहीं ड ड आर श एस एच श एस एस स एस ह एच छत्री वाला क छ छ के एस एस त्र टी आर य जी वाई स्र 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 श्रवण 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 एस एस आर, ये थे व्यंजन। क्या थे व्यंजन, हिंदी के व्यंजन, और उनको अंग्रेजी में भी कैसे लिखते हैं। अभी स्वर या मात्रा हिंदी में आपने पढ़ी हुई होगी, अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः, उनकी मात्रा आपको चिन्ह याद होंगे, ये चिन्ह है मात्रा होगी, क्या है चिन्ह है, ये भी आपने पढ़े होंगे, यहाँ का कोई चिन्ह नहीं होता, आ का ही होता है, किसी शब्द के पीछे ये जुड़ जाता है तो आ हो जाता है, जैसे ये क था इसके पीछे ये मात्रा चिन्ह लगा दिया का हो गया, इतने लगा दिया की हो गया, इतने लगा दिया की हो गया, इस प्रकार से। बट इनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, अ को ए लिखते हैं, आ को आ ए लिखते हैं, ई को आई लिखते हैं, ई को डबल ई लिखते हैं, ऊ को यू लिखते हैं, ऊ को डबल ऊ लिखते हैं, और ई को आर आई लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए ए को ई लिखते हैं, आई को ए आई लिखते हैं, ओ को ओ लिखते हैं, औ को ए यू लिखते हैं, अंग को ए एन लिखते हैं, अ को ए एच लिखते हैं अंग्रेजी में। आपने रोमन नाम पढ़े होंगे, जैसे अपन अपनों को कहते हैं राम लिखो, राम श्याम सीता गीता, किसी का भी नाम लिखो कहे, जैसे हमको कह दिया कि आप गौरव लिखो, क्या लिखो गौरव, गौरव को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, या महाराणा को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, वैसे लिख के बताओ, तो अपन क्या करेंगे, गौ ये औ की मात्रा रहेगी, पर ग के लिए क्या चिन्ह था हमारे पास, क्या अक्षर था ग के लिए, हमारे पास अक्षर था जी, क्या था जी, तो ग है। अब उसको गो करना है, गौ करना है, गौरव ए यू गौ, क्या हो गया अभी गौ, र रव, तो र के लिए आर है, आर अलग
अलग से, इसके साथ सपुर में स्वर लगाना पड़ेगा, कार र है और ए गो गौ र गौ र अब व ए व। आप कहोगे वी ए डब्लू वी लिख सकते हैं, तीन चीजें आ गई यहां पर गौ र हरी व, ये व अलग है। एक बात ध्यान रखना, किसी भी शब्द के अंत में अ की मात्रा है, किसकी मात्रा है अ की मात्रा है, तो अंत में ए लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अंत में ए लगाना कोई अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार अब आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनको आपको करना है, आप ध्यान रखें। आप महाराणा लिखते कह दिया आपको महाराणा लिखो, तो म म महाराणा के लिए म से शुरू होता है, तो ये जैसे म हा रा रणा ये महाराणा, तो म के लिए अपने ले लिया एम ले लिया, क्या ले लिया एम ले लिया। अब म अलग ये म नहीं म है आता अलग थे उसके साथ ए जोड़ दिया, तो अब ये बन गया म हा, हा के लिए एच है, तो अब ये ह एच हो गया आता हो गया। आ की मात्रा क्या है ए, क्या है ए महा ईरा ईरा रस र के लिए आ, साथ में फिर आ की मात्रा लगानी है ए को लगाना पड़ेगा ईरा, फिर ना 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 के लिए क्या था एन था, क्या था एन था, बट यहां आपको ये लगाना पड़ेगा, ये लगाना जरूरी क्यों है, तो अंत में क्या है ना 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 कि ण आ की मात्रा ना कि अ की मात्रा, तो ये आपको यहां पर लगाना, वहां पर केवल अ की मात्रा है तो कोई लगाने की जरूरत नहीं है, यदि आ की ई की बड़ी की आती है तो वहां पर पीछे लगाना जरूरी है स्वर, ठीक है। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसे कॉपी में अवश्य करें। अब हमने जो पहले पार्ट के अंदर जो पढ़ा कुछ सीखा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देने, यह सब आपको बुक में दिया हुआ है, आपको पहले अपनी बुक में पेंसिल से सारा भरना है, एक्सरसाइज फर्स्ट पूरी भरनी है, उसके बाद अपनी कॉपी में करना है, बट हाँ उससे पहले सारा काम करना है, जो भी मैंने शुरुआत में कराया था वो तो सारा काम कॉपी में करना है, वो वहाँ पर चार पाँच पाँच वाक्य थे वो करने हैं, सारे व्यंजन सारे स्वर की मात्राएं सभी आपको कॉपी में करना है, उसके बाद ये प्रश्नों पर आप लोग अपन को कॉपी में करने हैं, ये ध्यान रखना। एक्सरसाइज फर्स्ट ए आंसर दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है आप सभी को पता है। दूसरा हाउ मेनी लेटर्स हैज द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं आप सभी को पता है, तो लिखना है इसका। हाउ मेनी काइंड ऑफ लेटर्स, अक्षरों को कितने भागों में बांटा गया है पता ही आपको, लिखने लिखना नहीं लिखने की आदत बनी उसके अलावा और कितने भागों में बांटा गया है। चौथा हाउ मेनी वॉवेल्स हैज द हिंदी अल्फाबेट, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, गिन लेना कितने। उसके बाद बी राइट इन इंग्लिश, अंग्रेजी में भ क्या लिखेंगे, श क्या लिखेंगे, देख लिख सकते औ घ उ व म ए च ऐ सॉरी आई च ए, इसको इनको अंग्रेजी में लिखना है। उसके बाद सी राइट इन हिंदी, हिंदी में लिखना है आर के आई के एस 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 यू आई वाई ओ एच ए एन के ई और एल, ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना ही है, अनिवार्य है, जो सारा काम मैंने अभी आपको दिया था वो सारा काम करना आपको अनिवार्य है। ये लेसन प्रश्न एक से पांच ये सारे वाक्य आपको कॉपी में करने हैं, ये सारा आपको कॉपी में करना है और ये भी कॉपी में करना है और ये प्रश्नोत्तर सबसे पहले पेंसिल से भरना है किताब के अंदर, उसके बाद उन्हें कॉपी में उतारना है, ये सारा काम करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।